सिंह को रिश्वत के कथित प्रस्ताव से संबंधित मामले में आज एक एफआईआर दर्ज की है। जनरल सिंह ने हाल ही में आरोप लगाया था कि थल सेना के लिए खराब स्तर के 6000 ट्रकों की बिक्री को मंजूरी देने के लिए एक मध्यस्थ ने उनके सामने 14 करोड़ रुपए की रिश्वत का प्रस्ताव रखा था। इस खुलासे के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस सप्ताह के शुरू में सीबीआई से इस मामले की जांच कराने की अनुशंसा की थी। इस सिफारिश के आधार पर जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। वेक्ट्रा समूह के स्वामी और तात्रा ट्रकों के बड़े शेयरधारक रवि ऋषि इस संबंध में पूछताछ के लिए आज सीबीआई के सामने पेश हुए। गौरतलब है कि वेक्ट्रा समूह उस कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक है जो टाटा का स्वामी है। इस पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने दिल्ली और बेंगलुरु में चार जगहों पर छापे मारे। इस बीच सीबीआई को जनरल वीके सिंह द्वारा कथित घूस की पेशकश के आरोप संबंधी सेना प्रमुख का जवाब मिल गया है। इधर बीईएमएल के अध्यक्ष बीआरएस नटराजन ने टाटा ट्रकों के संबंधों में थल सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये ट्रक विश्व स्तरीय गुणवत्ता के हैं और किसी अन्य उत्पाद से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सेना प्रमुख द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों वाले मामले की सीबीआई जांच कराने का फैसला इस मामले के मीडिया में आने से पहले ही ले लिया गया था। एक प्रेस रिलीज में मंत्रालय ने रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए कहा कि रक्षा मंत्री ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश 21 फरवरी 2012 को ही दे दिए थे। यह मामला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के जरिए सेना के लिए हर परिस्थिति में काम करने वाले ट्रक खरीदने से जुड़ा है। एक अन्य मामले में भी रक्षा मंत्रालय ने समय पर कदम उठाने का दावा किया है। यह मामला अक्टूबर 2009 का है जब केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने टाटा ट्रक के कामकाज को लेकर शिकायत की थी। मंत्रालय के अनुसार रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्पादन सचिव से इस मामले को देखने को कहा था। और थल सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने आज कहा कि कुछ अराजक तत्व उनके और रक्षा मंत्री के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री के साथ किसी भी तरह के मतभेद से इनकार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो देश की सेवा करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि वो हर मुद्दे को हमेशा सरकार और सेना प्रमुख के बीच संघर्ष के रूप में पेश नहीं करें। उन्होंने कहा कि मीडिया को इस प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। जनरल सिंह ने सुरक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भरता के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण का आह्वान किया। और बुलेटिन में वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए समाचार प्लस। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20% लॉटरी लगी तो मेरे बाकी के पैसे इंक्लूड है डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना, सेव फ्यूल यानी सेव मनी। मिस्टर और मिसेस शर्मा ने कार ली लोन पर और किश्तों में चुकाने का वादा भी किया। कुछ दिन तो अच्छे गए, पर जब मिस्टर शर्मा किश्त नहीं चुका पाए तो बैंक ने उनकी कार जब्त कर ली। और जब मिस्टर शर्मा किश्त चुकाने गए तो आपकी गाड़ी तो हमने बेच दी। बेच दी? सॉरी सर। जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। शोभा, उन्होंने हमारी गाड़ी बिना हमें नोटिस दे बेच दी। शर्मा जी कंज्यूमर फोरम गए, वहाँ फैसला ये हुआ कि बैंक उनको 1.5 लाख रुपया यानी कार की मार्केट वैल्यू और जब से कंप्लेन लिखवाई है तब से अब तक की रकम पर पूरे 9% ब्याज दे। जागो ग्राहक जागो। बहु गर्भ से है। माँ क्यों ना मधु का अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवा ले जाए। अल्ट्रासाउंड? मगर बहु तो एकदम ठीक है। कहीं तुम ये तो नहीं जानना चाहते कि लड़का है या लड़की? इसमें हर्ज क्या है माँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नरिया मादा शिशु की जाँच के लिए अल्ट्रासाउंड गैर कानूनी है, ये महापाप है। मैं गलत था,